दोस्तों नमस्कार। आईपीएल चल रहा है और आज आठवां मैच जो है मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में जो है खेला जा रहा है। अभी मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तब ये मैच खेला ही जा रहा है और बहुत ही जल्दी इतना सब कुछ हमें देखने को मिलेगा उम्मीद नहीं थी। सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस की जो धुलाई करी है ना दोस्तों, वो आज तक आईपीएल में किसी टीम की ऐसी धुलाई नहीं हुई थी। जी हाँ, आज तक आईपीएल में जो सबसे ज़्यादा बड़ा स्कोर था ना वो आरसीबी का था। 263 रनों का स्कोर था 5 विकेट के नुकसान पर पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ ये स्कोर था। लेकिन इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया हैदराबाद ने, 277 रन बनाए हैं 20 ओवरों की अपनी पारी में। कैन यू इमेजिन कि एक T20 मैच में 277 रन बना सकती है कोई टीम, अभी तक आईपीएल में हुआ नहीं था और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी शायद इतना बड़ा स्कोर किसी ने बनाया नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि यार कैसे खेले होंगे, मैं आपको बताऊंगा। वो 5 नहीं 6 रिकॉर्ड जो सनराइजर्स हैदराबाद ने तोड़े हैं एक मैच में। जी हाँ, एक मैच में किसी खिलाड़ी ने नहीं बल्कि पूरी के पूरी टीम ने मिलकर 5 आईपीएल के रिकॉर्ड तोड़े हैं और 5 नए रिकॉर्ड बनाए हैं। और इवन 6 की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि एक रिकॉर्ड में ही 2 रिकॉर्ड है वहाँ पे। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आते हैं सबसे ज़्यादा स्कोर का रिकॉर्ड। तो जो आईपीएल में इससे पहले सबसे ज़्यादा स्कोर का वो आरसीबी के नाम था, लेकिन अब आईपीएल का सबसे बड़ा जो स्कोर है वो बनाया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। किसके खिलाफ? मुंबई इंडियंस के खिलाफ, 2024 में राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में। और ये स्कोर है 277 रनों पे 2 विकेट का। इसके बाद आरसीबी का नाम आ जाता है, 263 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पर पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ 2013 में। तीसरे नंबर पर लखनऊ सुपर जायंट्स है, 256 रन 5 विकेट के नुकसान पर पंजाब के खिलाफ 2023 में। चौथे नंबर पर फिर आरसीबी है, 248 पे 3 का स्कोर है गुजरात लायंस के खिलाफ 2016 में। पांचवें नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर है, 246 का 5 विकेट के नुकसान पर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 2010 में। ये हुआ एक रिकॉर्ड। अब बात करते हैं दूसरे रिकॉर्ड की जो हैदराबाद ने तोड़ा है, वो रिकॉर्ड है आईपीएल में पहले 10 ओवर में सबसे ज्यादा रनों का स्कोर, वो भी हैदराबाद ने तोड़ा है। तो अब जो है 10 ओवर में जो हैदराबाद का स्कोर था वो 148 रनों का था, 148 रनों पे 2 विकेट थे मुंबई इंडियंस के खिलाफ 2024 में। दूसरे नंबर पे मुंबई इंडियंस है, 131 पे 3 हैदराबाद के खिलाफ 2021 में बनाया था। तीसरे नंबर पे पंजाब किंग्स है, 131 पे 3 का स्कोर है हैदराबाद के खिलाफ 2014 में बनाया था। चौथे नंबर पर डेक्कन चार्जर्स ने 130 रन बनाए थे मुंबई इंडियंस के खिलाफ 2008 में। और पांचवें नंबर पर आरसीबी है, 129 रन बनाए थे पंजाब के खिलाफ 2016 में। अब जो मैं आपको रिकॉर्ड बताने जा रहा हूं वो एक ही रिकॉर्ड में 2 रिकॉर्ड हैं, वो है SRH यानी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सबसे फास्टेस्ट 50। इस लिस्ट में पहले डेविड वार्नर थे, 2 50 बनाई थी 20 बॉलों में, 1 50 बनाई थी 21 बॉलों में। लेकिन अब इस मैच में ये रिकॉर्ड 2 बार टूटा है, डेविड वार्नर का रिकॉर्ड 2 बार टूटा है। सबसे पहले ट्रेविस हेड ने तोड़ा जब 18 बॉल में उन्होंने 50 बनाई थी, पहले बैटिंग करने आए थे। उसके बाद आए थे अभिषेक शर्मा, उन्होंने तो 16 बॉल में 50 बना दी थी इसी मैच में। तो अब SRH के लिए सबसे फास्टेस्ट जो 50 है वो अभिषेक शर्मा की 16 बॉलों में मुंबई के खिलाफ 2024 में। दूसरी जो 50 है वो ट्रेविस हेड की है 18 गेंदों में मुंबई के खिलाफ 2024 में। और जो तीसरी है वो डेविड वार्नर की आ जाती है, डेविड वार्नर ने 20 बॉल ली थी CSK के खिलाफ 2015 में बनाई थी। चौथे पे मोइज़ेस हेनरिक्स हैं, इन्होंने 20 बॉलों में आरसीबी के खिलाफ 50 बनाई थी 2015 में। पांचवें नंबर पे फिर डेविड वार्नर है, 21 बॉल की 50 आरसीबी के खिलाफ 2016। अब बात करते हैं अगले रिकॉर्ड की और ये रिकॉर्ड है SRH के लिए पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन्स का। जी हाँ गाइज, इस मैच से पहले आईपीएल 2024 के 8वें मैच से पहले SRH ने इतने रन पावर प्ले में बनाए ही नहीं थे। 81 रन पावर प्ले में बनाए थे दोस्तों, 81 रन मुंबई के खिलाफ। अब सबसे टॉप पे 81 पे 1 vs MI 2024 में। इससे पहले SRH ने 79 रन बनाए थे KKR के खिलाफ 2017 में। उससे पहले 77 वर्सेस PBKS 2019 में। उससे पहले 77 रन थे DC के खिलाफ 2020 में। अब मैं बताता हूं आपको इस मैच में यानी कि SRH वर्सेस MI मैच नंबर 8 IPL 2024, इस मैच में तोड़ा गया 5वां रिकॉर्ड और ये रिकॉर्ड है हाईएस्ट पार्टनरशिप फॉर 4th विकेट यानी कि 4th विकेट के लिए सबसे लंबी पार्टनरशिप। और इसको किया है SRH की तरफ से हेनरिक क्लासेन और एडन मार्करम ने। 116 रनों की पार्टनरशिप है और नाबाद गए हैं दोनों मुंबई के खिलाफ 2024 में। इससे पहले जो हाईएस्ट पार्टनरशिप थी 4th विकेट के लिए 93 पे नाबाद थे MC हेनरिक्स और युवराज सिंह। उनसे पहले 80 रन की पार्टनरशिप कैमरॉन ग्रीन और थिसारा परेरा के बीच आरसीबी के खिलाफ 2013 में हुई थी। उनसे पहले 79 रन की पार्टनरशिप केन विलियमसन और यूसुफ पठान के बीच हुई थी CSK के खिलाफ 2018 में। और उनसे पहले 77 रन की अभिषेक शर्मा और प्रियम गर्ग के साथ हुई थी पार्टनरशिप CSK के खिलाफ 2020 में 4th विकेट के लिए। और अब 4th विकेट के लिए जो पारी है वो हेनरिक क्लासेन और एडन मार्करम की सबसे ज़्यादा लंबी पारी है 119 रन, वो भी नाबाद। तो इस मैच में
बहुत सारे, ये 6 रिकॉर्ड मैंने आपको बताए, 6 रिकॉर्ड टूटे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो ये मैच देख रहे थे जब हम लोग, तो लगातार जो बैटिंग हो रही थी बुमराह को छोड़ के हर कोई पिट रहा था, और मैं नोट डाउन करता जा रहा था कौन से रिकॉर्ड टूट रहे हैं। जैसे ही ये इनिंग खत्म हुई हमने आपके लिए वीडियो बनाया कि इस मैच में कौन से 6 रिकॉर्ड SRH ने तोड़े हैं। इस मैच के स्कोर बोर्ड पर अगर नजर डालेंगे तो होश उड़ जाएंगे। मयंक अग्रवाल सस्ते में निपट गए थे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 11 रन बनाए। उनके बाद ट्रेविस हेड आई 62 रन 24 गेंदों में, अभिषेक शर्मा 63 रन 23 गेंदों में, एडन मार्करम 42 रन 28 गेंदों में, हेनरिक क्लासेन 80 रन 34 गेंदों में, 277 का टोटल हुआ, 3 विकेट गिरे और 19 रन एक्स्ट्रा आए। कुल मिलाकर के हैदराबाद ने मुंबई की वो धुलाई करी है जो आज तक मुंबई की नहीं हुई थी। वैसे मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या भी इससे पहले नहीं थे, लेकिन हार्दिक पांड्या नए कप्तान को लेकर के आए, रोहित शर्मा को साइडलाइन किया है, तो सज़ा तो मिलनी ही थी। अगर आप भी यही सोच रहे हो कि भैया रोहित कप्तान होते तो इतना बुरा नहीं पिटते, तो आप कमेंट करके बताओ। मुझे तो लगता है कि भैया सनराइजर्स हैदराबाद इस सीज़न जितने तगड़े फॉर्म में चल रही है और जितना तगड़ा कॉम्बिनेशन प्लेयर्स का इनके पास है, बहुत कुछ कर सकते हैं। शायद दूसरी ट्रॉफी इस बार लोडिंग है सनराइजर्स हैदराबाद की। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। क्रिकेट और IPL की हर एक वीडियो आपको देखने को मिलेगी आर्या स्पोर्ट्स पर। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।